सत श्री अकाल, सलाम, नमस्कार एंड वेलकम एवरीवन टू के फॉर लाइफ। आज की जो ये क्लिप्स हैं ये मेरी दोपहर की है, जो कि मैंने एक रिक्वेस्टेड वीडियो पूरी करने के लिए बनाई है, और ये एक थैंक यू वीडियो भी है। इन ए वे मैं सबका थैंक यू करना चाह रही थी यहाँ पर, कि जो भी मेरे फ्रेंड्स इतने टाइम से मेरे साथ कनेक्ट हैं और इतना अच्छे से उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया कि कल मॉर्निंग में मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था, तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। तो अगर मैं यहाँ पर सारे फ्रेंड्स का नाम लूँ, और ये वीडियो बहुत छोटी पड़ जाएगी, मैं किसी और दिन एक लाइव स्ट्रीम रखूँगी तो आप सबको इनवाइट करती हूँ वहाँ पर। टाइमिंग मैं बाद में स्केड्यूल करके आप सबको बता दूँगी। और ये वीडियो है एक रिक्वेस्टेड वीडियो, जो कि सारा फ्रॉम लाहौर जो हैं उन्होंने मेरे को बोला था कि मैं वो कह रहे थे कि कमल सिस आप मेरे लिए एक रिक्वेस्ट पूरी करना। तो सारा सिस आपने बोला था कि कड़ा प्रसाद की जो रेसिपी मैं शेयर करूं, तो आज ये वाली जो वीडियो है आपके लिए ही है, और बाकी भी मेरे सारे फ्रेंड्स के लिए है, और मैं उनका थैंक यू भी बोलना चाह रही हूँ। ये रेसिपी में मेनली जो इंग्रेडिएंट यूज़ होता है, शुद्ध देसी घी का यूज़ होता है, और बहुत हाई लेवल पर भी बनाया जाए बेशक, तो लेकिन ये ऑफरिंग में जो रखते हैं ये देसी घी का ही इस्तेमाल इसमें होता है। और दूसरी चीज़ जो है, इसमें सुच्चम का बहुत ख्याल रखते हैं। अभी तो हमने घर के लिए ही यहाँ पर मैं बना रही हूँ, घर में ही बच्चों ने यूज़ करना है, लेकिन अगर ऑफरिंग में रखना हो, प्रसाद चढ़ाना हो, तो बहुत ही सुच्चम का ध्यान रखते हैं इसमें। जस्ट क्विकली मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि जो मैंने यहाँ पर रेसिपी यूज़ करी है, और उसमें मैंने 1 बॉल ली है मैंने आटे की, और 3/4 मैंने लिया है घी का, जितना मीन्स आटा है उससे थोड़ा सा मैंने कम घी लिया है। 1/2 बॉल मैंने यूज़ की है इसमें ब्राउन शुगर की, और पानी मैंने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही डाला है। वैसे आइडियली कहते हैं कि जितनी शुगर है उससे 3 गुना पानी ज़्यादा डालते हैं, तो डिपेंड है, आप देख सकते हो कि कितना आपने पहले थिन रखना है। और जो आपने पानी डालना है इसमें बॉइलिंग करके ही डालना होता है, आपको पता होगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा घी मैंने और ऐड किया है, क्योंकि मेरे को दिख रहा था कि घी की और ज़रूरत। और प्रसाद जितना ही अच्छे से रोस्ट हुआ हो आटा, उतना ही टेस्टी बनता है, और अगर आपका जो आटा है वो कच्चा रह गया तो वो खाते टाइम आपको प्रसाद जो है मुंह में चिपकेगा, बहुत अच्छा टेस्ट नहीं उसका आता। तो बहुत नाइसली इसको इवनली रोस्ट करना होता है, साथ साथ हिलाते रहना होता है, और जो प्रसाद की रेसिपी बनती है वो साथ साथ वो गुरबानी का जाप करते टाइम बनती है, और उस टाइम फिर बिल्कुल वहाँ पर ही ध्यान रखना होता है। और पहले भी मैंने जैसे कि बोला कि साथ साथ सुच्चम रखनी होती है, और आसपास का माहौल बिल्कुल उसी तरफ होता है। तो ये जस्ट मैं आपके लिए शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर सारे कल्चरल डिफरेंसेस हैं, हर एक के कल्चर में डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स है, डिफरेंट बिलीव्स है, तो जिस टाइम भी मेरे को मौका मिला तो मैं आपके साथ थोड़ी थोड़ी ये बातें जो कि मेरे को नॉलेज है उतनी ही मैं शेयर किया करूँगी। और जिस टाइम कड़ा प्रसाद की देख बनती है, आसपास सफाई ज़रूर करके रखना होता है, पहले ही जो कढ़ाई है, जो ये पलटा जिससे मैं हिला रही हूँ, तो ये सारा सफाई करके रखना होता है। और ये पलटा मैंने स्टील का लिया है इसलिए क्योंकि मेरे पास जो वुडन है वो सब्जी वगैरह के लिए यूज़ हुए हैं, और ये थोड़ी सी अभी नॉइज़ करता है, तो मैं अभी थोड़ा सा म्यूट की है वीडियो, और अदरवाइज़ मैं ऐसे ही रखना चाहती थी वीडियो, और जो नेचुरल वीडियो है, लेकिन क्योंकि इसकी थोड़ी सी नॉइज़ ज़्यादा आ रही थी तो मैंने वीडियो बिल्कुल म्यूट करी है, और आई होप कि आप अंडरस्टैंड करते होंगे। तो जिस टाइम जैसे कोई मीठे वाली चीज़ बनानी होती है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं सब्जी वाली जो भी कड़छी या पलटा वगैरह वो ना लूँ, और स्टील वाले तो आपको पता है कि वो अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, उसमें कोई टेस्ट वगैरह नहीं रहता। तो आगे मैं देखूँगी एक कोई ना कोई ऐसी कड़छी वगैरह लगा कर रख लूँ जो सिर्फ़ और सिर्फ मीठे के लिए ही यूज़ हो।
और प्रसाद के लिए स्लो गैस के ऊपर ही रोस्ट करते हैं आटे को। थोड़ा सा हम हाई अगर करें तो बिल्कुल साथ साथ बहुत फ्रीक्वेंटली हिलाते रहना पड़ता है। और मेरे को मीठे की सारी रेसिपीज़ बहुत पसंद है। मेरे को किसी ने पूछा भी था कि पंजाब में बहुत मीठा बनता है, लेकिन मेरे को भी बहुत मीठा पसंद है, मेरे मॉम को भी पसंद है, मेरी डॉटर को भी। और मेरे चैनल पे आपको बहुत सारी मीठे की रेसिपीज़ मिल जाएंगी। तो प्रसाद बहुत अच्छा बन जाता है। इस बार कैमरा भी ऑन है। तो यहाँ पर थोड़ा कैमरा भी है साथ साथ, तो मैं ध्यान रख रही थी कि उसके ऊपर स्टीम ना डल जाए, क्योंकि थोड़ा सा आगे को बेंड करके मैंने रखा हुआ है। ये बिल्कुल बॉइलिंग वाटर था, और जैसे मैंने बोला कि पानी ज़्यादा डाल सकते हो आप इसमें, और उसके बाद फिर लगातार हिलाते रहना होता है और कंसिस्टेंसी चेक करते रहना होता है, और पानी डालने के बाद भी इसको काफ़ी टाइम तक कुक करना होता है। और आपको दिख जाएगा कि जैसे ही कढ़ाई जो है, जो भी आपका बर्तन है जिसमें आप कुकिंग कर रहे हो, जैसे ही वो साइड्स को छोड़ना शुरू कर दे और घी थोड़ा थोड़ा ऊपर आना शुरू हो जाए, तो दैट मींस वो कुक होने लगा है। और मैं आपको साथ साथ दिखा रही हूँ यहाँ पर कि कढ़ाई में अभी बहुत ज़्यादा चिपक रहा है, अभी नहीं कुक हुआ है, और आगे की पिक्चर्स में आपको शो हो जाएगा कि जब ये डिफरेंट लगने लगा। और अगर मेरी इस वीडियो को मॉम्स, नानी माँ, दादी माँ, जो भी सियाने बुज़ुर्ग हैं वो देख रहे हैं और उनका बहुत एक्सपीरियंस है प्रसाद बनाने का, तो ऐसे ही मेरे को माफ़ कर देना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टाइम मैंने नहीं बनाया है, सिर्फ मेरे बच्चों की रिक्वेस्ट के ऊपर ही मैंने बनाया है और अच्छा बन जाता है, बस वो लाइक करते हैं तो मैं उनके लिए बना लेती हूँ। और ये भी बिगिनर्स के लिए है, जो बिगिनर्स हैं और जिन्होंने प्रसाद बनाया है लेकिन उनसे नहीं अच्छा बनता, तो देखो मैं भी आपके ही जैसी हूँ, लेकिन ठीक बन जाता है मेरे से। और अभी जैसे मैं इसको स्टर कर रही हूँ तो ये साथ साथ ही घूम रहा है, पलटे के साथ साथ ही घूम रहा है, तो देखिए कढ़ाई के साथ नहीं अभी चिपक रहा है, लेकिन स्टिल इसको मैं 5-7 मिनट के लिए और कुकिंग करूँगी। और थोड़ा सा टाइम टेकिंग रेसिपी तो है ये, थोड़ा ध्यान से बनानी पड़ती है। और अगर आपने इसमें घी कम यूज़ किया है या प्रॉपरली इसमें जो चाशनी है वो आपने अच्छे से नहीं बनाई है, तो इसमें अक्सर जो गांठे सी बन जाती है वो इशू हो सकता है, तो उसको भी सॉल्व करने के लिए आपने इसमें पानी ही ज़्यादा डालना होता है और हिलाते रहना होता है, तो फिर वो जो गांठे हैं वो डिसॉल्व हो जाती हैं, पूरा घुल जाती हैं जैसे आप पानी डालोगे और नीचे गैस ऑन रखोगे। तो क्योंकि मैंने डिफरेंट टाइम्स पे मैंने ट्राई करके देखा है कि कैसा बनता है, अगर घी थोड़ा कम रखें तो उससे भी इशू आ सकता है, और अगर आपने बहुत ही हाई हीट पर अगर रखा हुआ है और उसके बीच शुगर डाली है और साथ ही आपने पानी डाल लिया है, तो कई बार थोड़ी सी गुठलियाँ बन सकती है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि चाशनी बनाते टाइम थोड़ा ध्यान रखें और साथ साथ कंटिन्यूसली इसको स्टर करते रहें। और जो कड़ा प्रसाद की देग होती है जो गुरुद्वारा में बनता है, उसमें कोई भी ड्राई फ्रूट नहीं डालते हैं और वो बहुत ही सिंपल तरीके से ही बनता है, बस उसमें आटा और घी और शुगर का ही इस्तेमाल होता है, चाशनी बनाने के लिए पानी और ये चार चीज़ें ही होती है, कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें नहीं डलता। तो जो अगर आपने कोई ड्राई फ्रूट वगैरह अगर घर के लिए बनाना है, कोई आया है घर पर तो बनाना है, तो अपनी चॉइस का आप इसमें ड्राई फ्रूट डाल सकते हो, इसमें आप खोया भी डाल सकते हो, तो लेकिन जो देग वाली रेसिपी है वो बिल्कुल ही सिंपल होती है, सादे तरीके से ही बनती है जैसे कि यहाँ पर मैंने बनाई है। तो अभी देख सकते हो ये कड़छी को अभी छोड़ रहा है, जो पलटा है उसके साथ नहीं चिपक रहा है,
तो कुक हो चुका है। और ऐसे ही अगर आपने हाथ से भी उठाकर देखना है तो ये चिपकेगा नहीं, प्रॉपरली कुक है, सॉफ्ट बना है और बहुत ही नाइस है। शुगर भी जो जितनी रिक्वायर्ड है उतनी ही क्वांटिटीज़ में डली है। तो आई होप कि आप सब ने ये मेरी रेसिपी पसंद की होगी। और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे अगेन अनदर वीडियो में। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।